भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जो स्मरण कर रहे हैं, उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, संविधान सभा की लंबी बहस के दौरान भारत के गणतांत्रिक भविष्य पर गंभीर चर्चाएं हुई थी। आप सभी उस डिबेट से भलीभांति परिचित हैं। और तब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट्स अ स्पिरिट, इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे, वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है, ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। साथियों, भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है
जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिल सके, ये सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए बीते वर्षों में देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है जो कई कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया, लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे जिनमें नल से जल आता था। करोड़ों लोग तब भी अपने घर में नल से जल का इंतजार कर रहे थे। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल देकर नागरिकों का और विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान बनाया है। संविधान की भावना को सशक्त किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति में भी प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी सभी के चित्र हैं। भारत की संस्कृति के प्रतीक इन चित्रों को संविधान में इसलिए स्थान दिया गया ताकि वो हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग करते रहे। ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार है। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने थर्ड जेंडर को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांग जनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई हैं। साथियों, देश का बहुत ज्यादा जोर देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर है। एक समय था जब पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन्स को बैंक में जाकर साबित करना होता था कि वो जीवित है। आज सीनियर सिटीजन्स को घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स की सुविधा मिल रही है। करीब करीब 1.5 करोड़ सीनियर सिटीजन्स अब तक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। आज भारत वो देश है जो हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। आज भारत वो देश है जो 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को फ्री हेल्थ केयर की सुविधा देता है। देश के हजारों जन औषधि केंद्रों पर आज 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं।
एक समय में हमारे देश में इम्यूनाइजेशन की कवरेज भी 60% से भी कम थी। करोड़ों बच्चे हर साल टीकाकरण से छूट जाते थे। आज मुझे संतोष है कि अब मिशन इंद्रधनुष की वजह से भारत में इम्यूनाइजेशन की कवरेज 100% पहुंच रही है। आज दूर सुदूर के गांवों में भी समय पर बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। इन प्रयासों ने गरीबों की, मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी चिंता कम की है। साथियों, आज देश में कैसे काम हो रहा है उसका एक उदाहरण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभियान भी है। देश के 100 से अधिक ऐसे जिले जिन्हें पिछड़ा कहा जाता था, हमने उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माना और वहां हर पैरामीटर में विकास की गति तेज की गई है। आज देश के अनेक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब इसी मॉडल के आधार पर हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी शुरू किया है। साथियों, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से परेशानियां खत्म करने पर भी आज देश का बहुत ज्यादा जोर है। कुछ साल पहले तक भारत में 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। उन घरों में बिजली कनेक्शन ही नहीं था। सबको बिजली का मुफ्त कनेक्शन देकर देश ने उनके जीवन को रोशन कर दिया है। बीते वर्षों में दूर सुदूर इलाकों में भी हजारों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को 4G 5G कनेक्टिविटी मिलती रहे। पहले कभी आप अंडमान या लक्षद्वीप जाते थे तो वहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। आज अंडर वॉटर ऑप्टिकल फाइबर ने ऐसे द्वीपों तक भी अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट पहुंचा दिया है। हमारे यहां गांव के घरों, गांव की जमीन से जुड़े कितने विवाद होते रहे हैं ये भी हम भलीभांति जानते हैं। पूरी दुनिया में विकसित देशों के सामने भी लैंड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन आज का भारत इसमें भी लीड ले रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत आज गांव के घरों की ड्रोन मैपिंग की जा रही है और लीगल डॉक्यूमेंट इश्यू किए जा रहे हैं। साथियों, देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज निर्माण भी उतना ही जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने से देश का धन भी बचता है और प्रोजेक्ट भी उसकी उपयोगिता भी बहुत बढ़ जाती है। इसी सोच के साथ प्रगति नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का रेगुलर रिव्यू होता है और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते जो 30-30, 40-40 साल से पेंडिंग थे। मैं खुद इसकी मीटिंग को चेयर करता हूं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अभी तक 18 लाख करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करके उनके सामने की अड़चनों को दूर किया जा चुका है। समय पर पूरे हो रहे प्रोजेक्ट्स लोगों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। देश में हो रहे ये प्रयास देश की प्रगति को भी गति दे रहे हैं और संविधान की मूल भावना को भी सशक्त कर रहे हैं। साथियों, मैं अपनी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। 26 नवंबर आज के ही दिन 1949 में संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, भारत को आज
ईमानदार लोगों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जो अपने हितों से आगे देश का हित रखेंगे। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम की यही भावना भारत के संविधान को आने वाली कई कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। मैं संविधान ने मुझे जो काम दिया है मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है, मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है, क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। यहां तो इशारा ही करना होता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।